खैरलांजी जनपद पंचायत ग्राउंड में बन रहे सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीण जनता में भारी आक्रोश। स्वच्छ भारत मिशन फेस 2 एवं गरीब रोजगार कल्याण अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत खैरलांजी द्वारा जनपद पंचायत की भूमि पर बन रहे सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्माण कार्य को लेकर जनता में भारी आक्रोश नजर आ रहा है। खैरलांजी में जनपद पंचायत की भूमि पर बन रहे परिसर निर्माण को लेकर 15 अगस्त को ग्राम पंचायत सचिव जनपद पंचायत के CEO एवं क्षेत्रीय विधायक को मौखिक रूप से निर्माण कार्य को लेकर शिकायत की गई थी। वहीं भाजपा मंडल अध्यक्ष श्री नरेंद्र शुक्ला एवं दशहरा पर्व समिति के अध्यक्ष महेश लिल्लारे एवं व्यापारियों द्वारा ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि जनपद पंचायत ग्राउंड भूमि पर कई वर्षों से नवरात्रि पर्व, दशहरा पर्व, गणेश चतुर्थी पर्व एवं कई धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम सम्पन्न होते हैं एवं राजनैतिक कार्यक्रम तथा कई शासकीय कार्यक्रम सम्पन्न होते हैं एवं हर सप्ताह शुक्रवार बाजार भी लगता है। दशहरा पर्व समिति एवं व्यापारियों द्वारा 15 अगस्त को जनपद पंचायत की भूमि पर हो रहे परिसर निर्माण कार्य को बंद करवा दिया गया था, लेकिन 25 अगस्त को पुनः कार्य प्रारंभ होने से समिति एवं व्यापारियों द्वारा आज 26 अगस्त को निर्माण कार्य बंद करने को लेकर जनपद पंचायत के CEO श्री इंदौरकर को लिखित ज्ञापन सौंपा गया एवं परिसर निर्माण कार्य को स्टे लगाने को लेकर तहसीलदार महोदय को भी ज्ञापन सौंपा गया। समिति एवं व्यापारियों ने मांग की है कि स्वच्छता परिसर निर्माण कार्य जनपद पंचायत के बाजू में स्थित है ग्राम पंचायत की भूमि पर बनाया जाए। ज्ञापन सौंपने में भाजपा युवा नेता मानसिंह बहेटवार, जनपद सदस्य रूपलाल पटले, राजकुमार बहेटवार, ज्ञानी राम लिल्लारे, जितेंद्र नकपुरे, संजय मस्करे, देवराज मस्करे, नाथूराम बांगड़े, वरिष्ठ पत्रकार खुमेश डोंगरे, मुकेश भगत, फिरोज डोंगरे, पत्रकार किशन बहेटवार, पत्रकार दुर्गा बनोटे उपस्थित रहे एवं वहीं दशहरा पर्व समिति अध्यक्ष ने बताया कि खैरलांजी के ग्रामीण जनता के द्वारा उक्त भूमि पर परिसर निर्माण को लेकर भारी विरोध होने के बाद ग्राम पंचायत सचिव द्वारा परिसर निर्माण कार्य का काम बंद कर दिया गया था, लेकिन इतना विरोध होने के बाद भी जनपद पंचायत के CEO श्री इंदौरकर के द्वारा 22 अगस्त को एक आदेश जारी कर चयनित जनपद पंचायत की भूमि पर सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्माण कार्य नहीं करने पर उक्त ग्राम पंचायत के सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। हर स्थिति की जानकारी CEO श्री इंदौरकर को होने के बाद भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सवाल यह उठता है कि सचिव किस स्थिति में कार्य करे। ग्रामीण जनता से भारी आक्रोश एवं विरोध, इधर CEO का कारण बताओ नोटिस, सचिव जवाब किसे दे, जनता को या CEO को। खैरलांजी से MPCG24 समाचार के लिए फिरोज डोंगरे की रिपोर्ट। जो आज ज्ञापन आपके द्वारा दिया गया, किस संबंध में दिया गया ज्ञापन? ये स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जनपद पंचायत खैरलांजी में एक शौचालय का निर्माण किया जा रहा है और ये शौचालय का निर्माण जिस जगह किया जा रहा है ये इस जनपद के ग्राउंड में ही किया जा रहा है, लेकिन आए दिन इसका प्रांगण में रावण दहन का कार्यक्रम किया जाता है, दुर्गा उत्सव के कार्यक्रम किए जाते हैं एवं अन्य धार्मिक कार्यक्रम भी किए जाते हैं, इसके साथ साथ बाजार भी लगता है। और ये शौचालय जिस जगह बीच ग्राउंड में बनाया जा रहा है उससे आए दिन इन कार्यक्रम करने वालों को कहीं ना कहीं तकलीफ महसूस हो रही है। और इसके अलावा जनपद में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर एक तरफ थोड़ा सा स्थानांतरित करके इस शौचालय को बनाया जा सकता है। और माननीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जी से हम लोगों के द्वारा निवेदन किया गया कि इसको जनमत को, यहाँ का जनमत भी चाहता है जनता के हित में थोड़ा सा इसको स्थानांतरित करके साइड में बना लिया जाए, तो जनमत को ध्यान में रखते हुए CEO साहब से ये निवेदन किया गया कि इसको थोड़ा सा स्थानांतरित कर लिया जाए और उसका निर्माण कराया जाए। जैसे यहाँ पे जैसे ग्राम पंचायत खैरलांजी को परिसर निर्माण का कार्य सौंपा गया तो ये जनपद की भूमि पर बना रहा है जबकि पंचायत के पास जमीन उपलब्ध है, इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? यदि ग्राम पंचायत को इन्होंने भूमि हैंडओवर कर दिया हो, यदि जनपद पंचायत ने, तो मेरे ख्याल से ये निर्माण कर सकती है। और माननीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जी से हमने कहा भी इस विषय पे, तो उन्होंने कहा कि आप अतिक्रमण हटा दो, तो CEO साहब का ये गैर जिम्मेदाराना जवाब था कि यदि अतिक्रमण को जनता हटाएगी तो यहाँ माननीय तहसीलदार महोदय बैठे हैं, CEO साहब हैं, CEO साहब को हमने कहा भी कि आप माननीय तहसीलदार जी को बोल करके अतिक्रमण हटवाने के लिए कार्रवाई करवा लें,
तुरंत आपको आदेश मिल जाएंगे, आप करवा देंगे। अभी पता चल रहा है कि सीओ का कहना यही कि मैं शौचालय यहीं बनाऊंगा। सीओ साहब ने बिल्कुल अपना ऐसा लगा कि बिल्कुल प्रेस्टीज पॉइंट बना लिया और यहीं बनाऊंगा ऐसा उन्होंने किया। और ये मेरे ख्याल से जिस हिसाब से उन्होंने जवाब दिया जनता को यहाँ के, वो गैर जिम्मेदारों ने जवाब था। और जो व्यवहार उन्होंने यहाँ की जनता के साथ किया है, इसके पूर्व भी बहुत सारी शिकायतें आई हैं कि सीओ साहब जो जनता के साथ व्यवहार कर रहे हैं और जनप्रतिनिधियों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, जो बातचीत का तरीका है वो अनुचित है। ऐसा एक मामला ग्राम खैरी में है जहाँ पे 100 सालों से मेला भर रहे हैं, वहाँ भी ऐसी शौचालय का मामला है, आपके संज्ञान में मामला है? थोड़ा सा संज्ञान में आया था सोशल मीडिया के माध्यम से, बाकी मैंने उस स्थान को जाकर के नहीं देखा है और कल हमारी वहाँ भी जाने की तैयारी है।